दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि रजिस्टर किताबें बनाने का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, हमेशा किताबें बिकती हैं। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी पढ़ने वाले लोग होंगे, वो हमेशा रजिस्टर और किताबें खरीदते होंगे। आजकल 40-50 का एक रजिस्टर आता है, तो यह बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। इसकी जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्टर बनते कैसे हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए रजिस्टर बनाने के लिए। देखिए, नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना होगा। जिससे आप मशीन लेंगे वही आपको सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। 62 रुपीज़ किलो वाइट पेपर आएगा। वाइट पेपर वो होता है जो नोटबुक के अंदर लगता है कटिंग करके, जिससे पूरी नोटबुक तैयार होती है। 62 रुपीज़ का वाइट पेपर आएगा, जिससे आप 8 नोटबुक बना सकते हैं। वाइट पेपर के साथ आपको एक गत्ता खरीदना होता है जो नोटबुक के बाहर लगता है और जिसे टाइटल पेज भी कहा जाता है। इस गत्ते को आप चाहे तो खुद भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर से ज़्यादा सस्ता मिलता है। 1 रुपये का एक नोटबुक का गत्ता पड़ता है, तो इस हिसाब से 8 रुपये का वो हो गया और 62 रुपीज़ का वाइट पेपर, तो 70 रुपये में रॉ मटेरियल आ गया 8 नोटबुक का। तो दोस्तों, अब देखते हैं किस तरह से नोटबुक बनती है, कौन कौन सी मशीन चाहिए नोटबुक बनाने के लिए। सबसे पहले आपको वाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है। गत्ते में पेपर डालने के बाद इसमें पिन लगाई जाती है, और नोटबुक में पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। यह मशीन कई तरह की आती है, कुछ सस्ती और कुछ महंगी आती है, और पिन लगाने वाली मशीन को नोटबुक स्टिचिंग मशीन कहा जाता है। इसके बाद इसको दूसरी मशीन में ले जाते हैं। इसमें नोटबुक की एज को स्क्वायर में बदला जाता है। इस मशीन को एज स्क्वायरिंग मशीन कहते हैं। नोटबुक को इस मशीन में लगे रोलर के ऊपर रखा जाता है ताकि इसके एज स्क्वायर में बदल जाएं। अब बात करते हैं तीसरी मशीन के बारे में। इसे सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन कहा जाता है। इस बड़ी मशीन में इन नोटबुक को ले जाया जाता है और इन नोटबुक्स की कटिंग की जाती है। इसकी कटिंग करने के बाद हमारी नोटबुक बनकर तैयार हो जाएगी। पहले एक सार करके नोटबुक को अंदर रखा जाता है और फिर इनकी कटिंग शुरू की जाती है। इस मशीन के कुछ हैंडल घुमाने पड़ते हैं, जिससे इसकी कटिंग होती है। पूरे सेट करके नोटबुक को मशीन में डालना चाहिए कि किस तरह से नोटबुक की कटिंग करनी है। ऊपर एक ब्लेड होता है, उसकी मदद से नोटबुक काटी जाएगी। हैंडल से ब्लेड को दबाया जाता है। हैंडल घुमाने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, बहुत आसानी से हैंडल घुमा सकते हैं। यह ब्लेड बहुत भारी होता है ताकि एक साथ में सारी नोटबुक कट जाए।
हमारी किताबें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब हमने ये रजिस्टर डायरेक्ट बेचना है और कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।